लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाजने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आप सबको भी मेरा नमस्कार। आप इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, और मैं स्पेशल बजरंग में बोल दिया है, लेकिन मैं महिला पहलवानों की दाद देना चाहूंगी कि जो लड़कियां बेचारी जिनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, इतने सालों तक हुआ है, वो उस डर से निकल के आई है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई है, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से बोलते आ ही रहे हैं। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं, देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में है। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जी उन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है। और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।